is a vlog and it's my first vlog, so agar koi galti ho jaye, thodi si video mein upar niche ho jaye, to sorry in advance. So aaj hum ja rahe trip pe, going to the trip. It's a solo trip. Aur ye kaise sponsor hui hai, kahan se, kya hai, kya nahi. So ye sab kuch aapko aage video mein pata lagega. Ab time ho raha hai, 10 baj rahe hain. I have to rush to the airport kyunki meri flight hai 12:50 PM ki, and mujhe check in bhi karna hai and I have to do all the stuff. So yeah, let's go. Pahunch ke hi bataungi ki kahan ja rahe hain. So wait and watch. Let's go. ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕੁੰਡਣਾ ਪਵਾ ਲਵਾਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੋ ਜਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੀਏ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਈ ਵੀ ਬਜੱਚ ਕੇ ਜੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਹਮ ਫਾਈਨਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਕੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਥੀ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਥੀ ਔਰ ਤਬ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਥੀ यहाँ पर जीजू ने एक बंदे को असाइन किया था जो कि मुझे फ्लाइट तक ड्रॉप करके आने वाले थे एंड वी हैव टेकन ऑफ श्यू ओवर एक्साइटेड मी सो यहाँ पर मैंने कुछ मिरर सेल्फीज ली और जैसे ही हमारी फ्लाइट लैंड हुए वहाँ पर उतरते ही सामने यहाँ पर प्लेकार्ड लेकर खड़े हुए थे प्रणाम हनी माकन करके बहुत ही अच्छा फीलिंग आई बहुत ही अच्छा लगा मतलब ऐसे पहली बार वेलकम हुआ वहाँ पर मैंने कॉफ़ी ली और बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट था बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट था छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एंड नाम से आपको पता लग ही गया होगा वी हैव रीच्ड दिल मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान सो मुंबई पहुंचते ही देख रही हूँ मैं कि यहाँ पर मतलब ऑटो पे मिसाइल्स कैरी हो रही है वो भी इसरो की ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है जस्ट किडिंग वो एक मॉडल ही था सो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि है ताज लैंड्स एंड मुंबई में यहाँ पर हम स्टे कर रहे थे मतलब सारी जो गर्ल्स थी जो कि निव्या सॉफ्ट फ्रेश बैच में सिलेक्ट हुई थी जो विनर बनी थी उनका सबका स्टे यहीं पर था पूरा जो 2-3 दिन का इवेंट था वो यहीं पर होने वाला था मतलब ताज लैंड्स एंड में मतलब ये होटल का नाम है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है अगर आप जाओ इफ़ यू विल विजिट यू गॉट टू नो कि वहाँ की सर्विसेज एंड एवरीथिंग वाज रियली रियली गुड और दिस इज़ मी टेकिंग सम सेल्फीज एंड लेट्स गो सो ये आई एम फाइनली इन Taj. सो ये ब्यूटीफुल सा व्यू ना लॉबी से आ रहा था तो मैं अपने आप को इसको कैप्चर करने से रोक नहीं पाई मतलब सामने पूरा सी व्यू आ रहा था और यहाँ पर पूरी ग्रीनरी मतलब बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे सो या वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है सो दिस इज माई रूम एंड लेट्स गो इनसाइड Here you go, and that's inside the keys here. So this is the washroom, and this is cupboard. This is me. और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है और पीछे की साइड में वॉशरूम है और दिस इज माई रूम यहाँ पर टी वी है एंड ऑल दी स्टाफ सो सो ब्यूटिफुल रूम एंड यू गाइज वॉन्ट टू लुक एट द व्यू फ्रॉम माई रूम मेरे रूम से बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है एंड दिस is the view from my room wow I mean just wow and पीछे की साइड वहां पर आप देख सकते हो that is sea बहुत क्यूट है व्यू मेरे रूम से एंड
एंड अगेन अगर हम यहाँ से जाए यहाँ पर अगेन ड्रेसिंग एंड दिस इज माई कबर्ड. दिस इज प्रेस एंड ऑल दैट स्टफ जो कबर्ड में होना चाहिए राइट. जस्ट वॉक इन वार्डरोब काइंड ऑफ वॉक इन तो नहीं है बट या वार्डरोब. एंड देन आफ्टर दिस we have this washroom. We have all the stuff here. Dun, dun, dun. यहाँ पर वॉशरूम है एंड दिस इज टॉयलेट जस्ट बिहाइंड द वॉशरूम एंड देयर इज इट एंड दिस इज शावर. इफ यू वांट टू टेक शावर यहाँ से हम शावर ले सकते हैं एंड दिस इज बाथटब अगर हमें पूरे लग्जूरियस काइंड ऑफ बाथ चाहिए. सो अभी हो रहे हैं 6 o'clock और मुझे नीचे पहुंचना है फॉर ओरिएंटेशन अबाउट 7:30 तक. सो रेडी होना है सब कुछ करना है. थोड़ा रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है. मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई थी आते आते. सो थोड़ा रेस्ट भी करना है और फिर उसके बाद रेडी होना है. सो लेट्स स्टार्ट और रेस्ट करके फिर हम रेडी होने चलते हैं. सो बी विद मी गाइस लेट्स गो. दिस इज द इवेंट जो हमें अभी पूरा शेड्यूल अभी हमें मिला है फॉर द इवेंट वो यही है जो कि हमें फॉलो करना है थ्रू आउट द डे. मतलब आज के लिए पूरा इवेंट के लिए यही फॉलो करना है हमें एंड कल के लिए दूसरा है. सो या दिस इज इट सो कूल. सो मैं अब आई एम जस्ट टेकिंग सम रेस्ट. बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया मेरे लिए. पहले दिल्ली में ग्राउंड ट्रैवल करना टू द एयरपोर्ट फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना एंड टू द मुंबई एंड मुंबई में फिर दोबारा ग्राउंड ट्रैवल करना. और ये ट्रैवल ज़्यादा नहीं एक एक घंटे का तो ग्राउंड ट्रैवल ही था हमारे यहाँ पर. सो ठीक है थोड़ा सा हेक्टिक हो गया. अब थोड़ा सा रेस्ट करके आराम से मैं सोने वाली हूँ यहाँ पर. अब आराम से बिल्कुल थोड़ा अच्छा सा माइंड फ्रेश करके फिर चलेंगे नीचे ओरिएंटेशन के लिए. सो लेट्स टेक सम रेस्ट और फिर उसके बाद हम रेडी होते हैं. रेडी होने के बाद हम चलते हैं फॉर द ओरिएंटेशन. ये चलो अब फंस जाते हैं सो जाते हैं. राधे राधे. तो हमें जल्दी से रेडी होके नीचे जाना था ओरिएंटेशन के लिए. मैं फटाफट से रेडी हुई. आप शॉर्ट्स में देख सकते हो गेट रेडी विद मी इसका मैंने अपलोड किया हुआ है. एंड वहाँ पर पहुँचते ही बहुत अच्छा सा वेलकम हुआ. सो दिस वॉज द लुक जो कि मैंने वेयर किया था ओरिएंटेशन के लिए. ये कॉट सेट था जो कि मैंने पहना था. बहुत ही ब्यूटीफुल सा था. मैंने इसकी पिक्चर भी अटैच करी है पहले आप देख सकते हो वो फुल लुक. और शॉर्ट्स में भी जाके आप अपलोड हो रखा है इसकी गेट रेडी विद मी वो भी चेक कर सकते हो. एंड लेट्स बिगिन. सो आफ्टर
इतना फन इवेंट, हम सबको बहुत भूख लग गई थी. सो भूख लगी तो डिनर बुफे की तरफ देखा, डिनर बुफे देखा तो वहाँ पर सब कुछ लग चुका था. सो सबसे पहले यही था नॉन वेजिटेरियन, जो कि मेरे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन की तरफ देखती भी नहीं. सो यहाँ पर ये सारी वेज सब्जियाँ थी, जो कि कोफ्ता, जीरा राइस, पनीर एंड ऑल दैट स्टफ़ जो कि होता है वेजिटेरियन खाने में, वो सब था. फिर फटाफट से खाना डाला और खाना खाया. बहुत ही भूख लग रही थी और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी. फिर राइस खाए मैंने ज़्यादा, क्योंकि मैंने रोटी सिर्फ एक ही खाई थी आई गेस. और फिर उसके बाद जो मैंने डेजर्ट लिया वो थी वॉफल एंड दिस रस मलाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी. So we are having our dinner. She is giving the special appearance. She is Natalia. She is Khali. So we are having our dinner. It's 26th night. So we had our dinner aur ab hum sone ja rahe hain. Yes. तो रूम में जाने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर किया होटल को, एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ ना. सो या वी आर बैक आफ्टर डिनर, एंड एक और बार मैं लॉबी का व्यू दिखा रही थी. बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस. सो ये सारी चीज़ें मुझे गुडी बैग में मिली थी, जो कि निविया सॉफ्ट फ्रेश बैच का गुडी बैग हमें हैंड ओवर हुआ था जैसे ही हम होटल में एंटर किया था हमने. तो यहाँ पर ये सारा स्टफ़ था जिसमें गुडीज थी निविया की एंड एक स्मार्टफोन था. सो आई हैव चेंज माई क्लोथ्स एंड डिनर भी हो गया अच्छे तरीके से, एंड आई एम गोइंग टू स्लीप. इट्स अबाउट 10:30 PM एंड लेट्स स्लीप. और फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठना है, बहुत ही हेक्टिक डे और बहुत ही बिजी डे होने वाला है कल. सो स्टे ट्यून, कल मिलते हैं. एंड दिस इज माई नाइट वेयर दैट आई एम वेयरिंग, दैट इज फ्रॉम जिंजर. एंड या सी यू गाइस टुमारो, बाय, गुड नाइट. टू बी कंटिन्यूड. Till then, stay tuned.